ਬੈਠਿਆ ਕਿਉਂ ਆਉ ਮੈਂ ਸਖਤ ਲਾਉਣਾ ਸਖਤ ਲਾਉਣਾ ਸਖਤ ਲਾਉਣਾ यार ये सख्त लौंडा है। सख्त का तो मुझे यार पता नहीं, लेकिन यार ये लौंडा नहीं है। अगर यार ये लौंडा निकल गया ना तो दीपक कलाल को भी इंडिया का सच्चा मर्द घोषित कर देना चाहिए। तुम लोग यार समझ ही गए होगे कि आज की इस वीडियो किसके बारे में होने वाली है। यार बेंचन मैं पागल थोड़ी ना जो 20 मिनट की इंट्रो बेकार में मैंने बनाई है। गधा थोड़ी ना हूं मैं। आज हम जिसकी लेने वाले उसका नाम है रियाज। तो अगर तुम लोग उसके बारे में नहीं पता तो यार तुम लोग कहाँ रहते हो। उसके टिकटॉक में 3 से 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कि बहनचोद आज के ज़माने में सक्सेसफुल बनना इतना आसान हो गया कि यार मुंह हिला हिला के बच्चे लोग फेमस हो रहे हैं। अभी कुछ लोग आ जाएंगे नीचे कमेंट करने और बोलने तो तेरी गांड क्यों जलती है। मुझे इन लोगों से यार कुछ निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार तुम लोगों को समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो यार हम लोग दो लौंडे इमेजिन करते हैं, एक का नाम हम लोग टिकटॉक रख लेते हैं और एक का नाम हम लोग यूट्यूब रख लेते हैं। तो जो यूट्यूब है यार वो मन लगा के पढ़ाई करता है, मतलब कि यार वो गधा मजूरी करता है, बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है। और जो टिकटॉक है यार पूरे साल खेलता रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो यूट्यूब के आते हैं 50% और टिकटॉक कैसे तैसे चीटिंग करके 75% लेके आ जाता है। तो तुमको कैसा लगेगा? बाकी तुम समझदार हो तुम समझ जाओ। कुछ लोग बोलते हैं टिकटॉक वाले बहुत मेहनत करते हैं, अजीब मेहनत करते हैं वो लोग यार गाने खुद से थोड़ी ना लिखते हैं, वो लोग खाली दूसरे के गाने में डबिंग करते रहते हैं। और यार लिपसिंग यार 2 साल का बच्चा भी कोई कर देगा। और सारी लड़कियां तो बेंचो पागल हुई पड़ी है, एक बार इसको देखो। बुलावे तुझे आज मेरी गलियां, बस आऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फसले, बस एक तू हो एक मैं हूं और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू सम। मैं एक लड़की लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ कि यार तुम लोग को 15 सेकंड की वीडियो में क्या सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तुम लोग को यार कौन सा ऑर्गेजम मिल जाता है जो लोग तुम लोग यार उसको इतना ज्यादा पसंद करते हो। हम लोग यार गांड घिस घिस के स्क्रिप्ट लिखते तब भी जाके यार वेंचर व्यूज नहीं आते हैं, और यार वो 15 सेकंड क्या मुंह क्या हिला देता, तुम लोग उसे यार बेंचत वायरल करवा देते हो। रंडी का बच्चा। कुछ टिकटॉकर्स बोलते हैं यार कि टिकटॉक इतना अच्छा है कि यार उसमें फिल्म स्टार लोग भी आके अपना आईडी बना रहे हैं। अरे यार बेंचत चुदाई का पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है। किसी भी फोकट का पैसा मिलेगा तो उससे अच्छा ही ना लगेगा। तो यार कुछ लोग मुझे बोलेंगे यार तू बना लेता क्यों नहीं आईडी अपना उसमें। हाँ यार मैं भी उसमें आईडी बनाने गया था, लेकिन यार जब जेंडर की बात है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था अदर्स का, इसलिए मैं वहीं से चल के आ गया, मैंने नहीं बनाया आईडी। यार मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता उसके लिए। तो चलो यार इस भोसड़ी वाले की थोड़ी सी वीडियो हम लोग देख लेते हैं। इतना चिकना फेस मैंने आज तक किसी लड़के का नहीं देखा। यार मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है, लेकिन मेरे चेहरे में झाट से गंदे बाल आ चुके हैं, और एक बार इसको देखो यार ये पूरा चिकना बैठा है। मैं बता रहा हूँ टिकटॉक की ये अपनी एक पॉलिसी है, जैसे बाकी कुछ ऐप्स की पॉलिसी होती है कि 18+ होना चाहिए, उसी तरह टिकटॉक की अपनी पॉलिसी कि आप हिजड़े होने चाहिए, आपको अपना कटवाना पड़ेगा, चूतिया नहीं आपको अपने लंड कटवा के हिजड़ा बनना पड़ेगा, तब जाके आप इनके गैंग में शामिल हो पाओगे। और भैया मुझे एक बात बताओ, तुम लोग यार वीडियो में फिल्टर लगा के फिल्टर के अंदर वीडियो बना रहे हो। यार वैंचुद अगर तुम लोग थोड़ा सा और ब्राइटनेस ऊपर कर दो ना तो हमारे रियाज भैया के समझ ही नहीं आएंगे किधर गायब हो गए। मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दिया। वो तो यार तुझे छोड़ेगी ही, वो हिजड़े से शादी करते फिरेगी। भाई लोग अंतरिक्ष पर जा रहा हूँ घूमने काम से, अगर वहाँ से किसी को अपनी महबूबा के लिए चांद या तारे मांगना है तो बोल दो लेते आऊंगा। हाँ वेंचर तेरा बाप बेच रहा है ऊपर चांद और तारे जो तू लेता हुआ आएगा। हाँ साइंटिस्ट लोगों ने इसलिए तो इतनी मेहनत की है कि ये भोसड़ी का चांद में जा सके। यार कितना अच्छा भला यार टिकटॉक बैन हो गया था, किस भोसड़ी वाले के दिमाग में है इसे वापस लेके आ गया। यार इसे बंद कराओ। मेरी यार नरेंद्र मोदी से भी एक ही दरख्वास्त है, प्लीज यार ये टिकटॉक को वापस बैन करवा दो, क्योंकि यार अगर ये रही गई ना और 1 साल तो यार पूरे इंडिया के लड़कों को मीठा करके ये मानेगी। और सबसे बड़े गांडू तो यार ये पब्लिक है जो यार इन लोगों का वीडियो वो देखते रहते हैं, इन लोगों की वजह से तो यार ऐसी चीजों को सपोर्ट मिलता है और सब लोग वापस मीठे बनते हैं। तो यार कम से कम यूट्यूब वीडियो भी देख लिया करो, हम लोग यार गांड घिस घिस के वीडियो बनाते हैं। अभी मैंने पंखा बंद रखा है, गर्मी हो रही है, लेकिन यार तब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपलोड करना है अपने चैनल में। लेकिन यार टिकटॉक वाले का AC चला के यार पंखा चला के भी वीडियो बनाएंगे तो उनको तो आवाज़ बोलनी नहीं है, वो तो वहां से रिकॉर्ड हो रही है, तो इन लोगों को कितना मजे में रिकॉर्ड करते हैं। एक बार हम लोग का हालत भी देख लो प्लीज यार, इस वीडियो को लाइक कर देना या नीचे कमेंट तो यार प्लीज कर देना। और यार मेरे मतलब ये नहीं था कि सब टिकटॉक वाले ऐसे ही है, लेकिन मेजॉरिटी सब ऐसे ही है, कुछ क्रिएटिव लोग भी है तो उन लोग यार तुम लोग सपोर्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा,
लेकिन जो ऐसे चूतियापा कर रहे हैं प्लीज उन लोगों को सपोर्ट मत करो। लेकिन कुछ लोग हैं टिकटॉक में जो लोग क्रिएटिव करते हैं उन लोगों को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लेकिन ऐसे लोग को नहीं। और यार अब मैं रियाज के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि यार मेरी गांठ फट रही है, गर्मी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं और गर्म नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे ही कोलकाता में बहुत गर्मी हो रही है। बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है वीडियो छोटी बनेगी लेकिन कोई बात नहीं, चला लो, मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में, बाय बाय। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पा रहा। छोड़ दो देव। ना। कोशिश तो करो। तेरे बाप की पिया। अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। हाँ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ।